तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी, आज मैं बनाऊंगी बैंगन का सब्जी और आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो ये एक्चुअली इनको भर के नहीं बनाएंगे, इनको मतलब अच्छे से वॉश करके और लंबा लंबा काट के उसके बाद में इनको कुछ करते हैं। तो आलू भी डालेंगे, और टेस्ट उसका अच्छा आएगा। ये रेडी, इनको थोड़ा पानी भिगो के रखते हैं ताकि निकाल ना पड़े। ये तो ये पहले रखते हैं, इसमें से पहले ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं डालेंगे सॉल्ट, डालेंगे बैगन और अच्छे से करेंगे फ्राई। इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अच्छे से फ्राई करना है इनको। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे ऐड करेंगे आलू। अभी इसमें हमने मसाले नहीं डाले हैं, बाद में मसाले डालते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग पहले डालते होंगे। इसमें जाएगा नमक, नमक आपके टेस्ट के अनुसार, मैं कभी अलग पसंद करते हैं। रख देंगे इसको, इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमको इनको खट्टे वाले बैगन बनाने ना, इस वजह से पानी ज़्यादा पड़ जाएगा। तो फिर ये
देखिए कितना अच्छा कलर आया है उसका। पानी हम दोस्तों उतना ही डालेंगे जितने में ये आलू पक जाए, कुछ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको कर देंगे स्लिम पर। ड्राई बनाना है, जो आलू पक जाएगा तभी इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, जीरा अमचूर पाउडर। ये देखिए ये सब्जी बन चुकी है, ये बहुत ही अच्छी लग रही है ना खुशी है, बहुत ज़्यादा ही। मेरे घर में तो ये सब्जी सबको बहुत पसंद है, सब बहुत मन से खाते हैं। और अगर आप लोग को भी अच्छी लगी हो मेरी ये रेसिपी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।